सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का वीडियो रहने वाला है गढ़ पंचकोट का स्पेशली ओनली, क्योंकि गढ़ पंचकोट का जो इको टूरिज्म है जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं, आज आपको पूरा इसका सैर कराएंगे। यहाँ पे क्या है, क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, वैसे ये सारा चीज़ आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, तभी आपको पता चल पाएगा यहाँ पे और क्या क्या है। हर रूम का अलग अलग नाम है, जैसे नंबर दिया हुआ है 3-4, बट उसके ऊपर छोटा छोटा टैग लगा हुआ है। वहाँ पे जैसे जवा, बकुल, फूल का, पेड़ का जो टाइप्स होता है उसके ऊपर भी नाम दिया हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, तो इसके बारे में और डिटेल में ज़रा बात करेंगे। उससे पहले आप ड्रोन शॉट और यहाँ का व्यू देखो। आई होप आपको ये शॉट अच्छा लगा होगा। वैसे अभी का टाइम हो रहा है 3:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच करके हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स पंचेत डैम और आपका बारंती हिल, ये दो हम लोग कवर करेंगे आज। कवर करने के बाद हम लोग देखते हैं, आई थिंक उसके बाद अगर और कुछ लगा सही प्लेसेस तो कवर करेंगे, अदरवाइज़ यही आज का हम लोग का लास्ट दो स्पॉट है वो रहेगा। पहले हम लोग जाएंगे पंचेत डैम की तरफ, जो कि गढ़ पंचकोट रिजॉर्ट से आपका सिर्फ 4 किलोमीटर आप समझो ना, 4.1 है, 4 किलोमीटर दूर है। वो कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स बारंती लेक और सनसेट वहाँ पे एंजॉय करेंगे, उसके बाद वापस होटल बैक करेंगे। तो गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म से जाने का रास्ता बहुत सिंपल है, आपको बाहर निकल के सिर्फ राइट लेना है और राइट लेते लेते आपको आगे बढ़ना है। सामने पूरा एकदम पलास फूल भर्ती पड़ा है यार, बोथ साइड इतना हम अबंडेंस में नहीं देखे थे, ऐसा लग रहा है पूरा ये पलास फूल का पूरा बागान है। आप देखो, जस्ट देखो ये वाला यार, यही एक सीजन है जिस टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो 2 किलोमीटर के बाद आगे ही मेन रोड पे, इस मेन रोड का नाम है सौरवाड़ी पंचेत रोड। गूगल मैप में देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग एकदम डैम के किनारे किनारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से डैम दिख नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, प्लस डैम होने के कारण थोड़ा ऊँचाई भी करके रखा गया है दीवार को, इसलिए पंचेत डैम का मेन रोड ये खूबसूरती आपको मतलब गांव के तरफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर में तो डैम वैम होता है नहीं, बट अब यहाँ से देखो जस्ट ये व्यू। सामने एक प्लांट भी है और ये DVC का प्रोजेक्ट है आई थिंक, बट यहाँ से क्या खूबसूरत लग रहा है यार। तो डैम के एकदम किनारे किनारे मेन रोड बना हुआ है और आगे जाके आई थिंक वहाँ पे गेट रहेगा बहुत सारा, यहाँ पे 14-15 शायद गेट दिख रहा है यहाँ से दूर से मेरे को, वो गेट उस तरफ है। तो आप अभी जो फिलहाल देख रहे हैं है पंचेत डैम और इसको CISF के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बाय द वे ये पंचेत डैम के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो DVC का है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वो लोग इनका जो टेक केयर करना होता है वो सारा वो लोग ही करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे ड्रोन उड़ाना शायद मना है, क्योंकि जहाँ CISF गार्ड करते हैं वहाँ पे ड्रोन शायद उड़ाना मना रहता है, मोस्ट ऑफ द जगह में प्रोहिबिटेड रहता है। आई थिंक यहाँ पे भी होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज़ देख के मेरे को लग रहा है यहाँ पे ड्रोन उड़ाना बैन है। सो मैं क्या है अटेम्प्ट भी करना नहीं चाहता हूँ, इनकेस अगर पकड़ लिया तो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, दैट्स वाई मैं जो भी वीडियोज़ आपको भी दिखाने वाला हूँ ये सारा मेरे फ़ोन से लिया गया हुआ है। चेक इट आउट। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे सनसेट एंजॉय कर रहे हैं और ठीक हम लोग के सामने आपका जो गढ़ पंचकोट का इको टूरिज्म के सामने जो पहाड़ था वो यहीं से दिख रहा है, और उस
ठीक पहाड़ के नीचे ही हम लोग का रिजॉर्ट है, तो एकदम आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटी में अराउंड 4 या 4.5 किलोमीटर के अंदर आपको ये इतना सुंदर एक ब्यूटीफुल स्पॉट मिलेगा सनसेट एंजॉय करने को। गर पंचकोट इको टूरिज्म का क्या प्राइस है, मैं सब ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या एमिनिटीज़ है और वो लोग उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फिलहाल तो हम लोग होली वाला पैकेज में आए हैं तो हम लोग का पैकेज थोड़ा अलग है, बट स्टिल उसका रूम का टैरिफ क्या रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम और क्या क्या डिटेल्स अगर आपको ज़रूरत पड़ सकता है यहाँ पे आने के लिए वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इन एडिशन टू दैट फ़ोन नंबर भी मेंशन रहेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और उसके साथ साथ मैं वेबसाइट भी दे दूँगा। आई थिंक यही वाला रोड आपका वेस्ट बंगाल को झारखंड से कनेक्ट भी करता है ये डैम खासकर। एक काम करते हैं डैम के पूरा एंड तक जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे, क्योंकि मुझे सारा गाड़ी झारखंड का नंबर प्लेट दिख रहा है तो मे बी हाई चांसेस है कि उधर झारखंड है। तो हम लोग फिलहाल अभी है गेट के ऊपर और ये रहा आपका दामोदर नदी, इस तरफ था आपका प्रोजेक्ट पूरा और यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है पानी को। तो बिल्कुल सही हम लोग सोच रहे थे, एक्चुअली ये वाला जो प्रोजेक्ट है डैम ये वाला ही आपका वेस्ट बंगाल को झारखंड से कनेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल से झारखंड सिर्फ चाय पीने के लिए। ये वाला रोड देख रहे हो, यही वाला रोड आपका वेस्ट बंगाल को झारखंड से कनेक्ट कर पा रहा है। आप वहाँ पे देख पा रहे हो पुणे पधारे का बोर्ड लिखा हुआ, धनबाद सामने है, यहाँ से आदुर है नहीं और हम लोग सच में जेन्युइनली वेस्ट बंगाल से झारखंड आए हैं सिर्फ चाय पीने। पांचत डैम हम लोग को इतना सुंदर लगा कि हम लोग भारत जाने का हिम्मत ही नहीं किए, वहीं हम लोग का सनसेट हो गया। अब हम लोग वापस लौट गए हैं आपका रिजॉर्ट के तरफ, वहाँ पे एक प्रोग्राम है आई थिंक ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट किया हुआ है, आज वो एंजॉय करेंगे शाम को। चार टेंट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 आज यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोग का खुद का, तो पैकेज में इंक्लूड है वो देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला है आपका रेस्टोरेंट, उसके नीचे छोटा सा बैंक्वेट भी है, बैंक्वेट जैसे बना हुआ है और ये आपका बाएं तरफ यहाँ पे है रिसेप्शन, वो है आई थिंक है आपका बार। तो इस पैकेज में बाउल संगीत भी इंक्लूड किया हुआ है, रात को जो ऑर्केस्ट्रा का प्लान था वो यही था, देखो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक समझ में आ रहा। तो इस बार का जो होली वाला पैकेज था कल पंचकोट इको टूरिज्म में, यहाँ पे आप इसे बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे जो कल्चरल म्यूजिक होता है बाउल संगीत जिसको बोलते हैं वो भी इंक्लूड था। अब आपको थोड़ा सा चलकर दिखाते हैं उसका। Oh, yeah.